एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल किन्नू की किचन शाला में। तो दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कटहल का कोफ्ता। कोफ्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, चाहे वो जिस चीज का हो, पर कटहल के कोफ्ते की बात ही अलग है। तो दोस्तों, आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, इसको कैसे बनाते हैं। कटहल का कोफ्ता घर में सभी को पसंद आता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको कटहल का कोफ्ता अच्छा लगता है। इसको बहुत ही कम मसाले में और शानदार तरीके से आज हम लोग बनाकर देखेंगे कटहल का कोफ्ता कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी रखेंगे उबलने के लिए। हमारा पानी जब उबलने लगेगा तो हम उसमें कटहल डालेंगे। तो कटहल डालने से पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। उसके बाद मैंने इसमें कटहल डाल दिया है। आप चाहे तो कुकर में उबाल लें, वैसे कटहल बहुत जल्दी नमक डालने से उबल जाता है, वैसे भी उबल जाता है, इसलिए मैंने उसको भगोने में उबाला है। तब तक हम यहाँ मसाले की तैयारी कर लेते हैं। दो प्याज मैंने ली है, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और कुछ कलियाँ लहसुन की मैंने छील ली हैं। अब इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के हम पीस लेंगे। तो ये मसाला मैंने पीस लिया है और अब हम कटहल को चेक करेंगे। 10-15 मिनट हो गया था और कटहल जो है अच्छी तरह से पक गया है, तो हम उसे दबा के देख लेंगे कांटे की हेल्प से, या कोई चम्मच हो तो चम्मच की हेल्प से आप दबा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कटहल हमारा हो गया है, अब हम उसे छान लेंगे। तो मैंने छानने के लिए एक थाली ली है, तो अब हम छान लेते हैं। छान करके इनको कुछ देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना, तो गर्म गर्म में हम लोग इसको मैश नहीं कर पाएंगे। और इस तरह की जो आपको प्लास्टिक जैसी चीज़ें मिलेंगी, जैसे इसमें बीज जो रहता है, तो बीज के नीचे इस तरह की प्लास्टिक की कवर रहते हैं, तो उनको निकाल लेना है, क्योंकि वो खाने में तो अच्छे लगते भी नहीं हैं, मुँह में फंसते हैं और सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो उनको निकाल लीजिए, उसके बाद फिर हम कटहल को मैश करेंगे। तो कटहल हमारा अच्छी तरह से पक गया था, तो मैशर की हेल्प से अभी मैं इनको मैश कर रही हूँ। उसके बाद जब मसाले मिलाएंगे तब हम हाथ से इसको मैश करेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत जो हमें मिल रहा है उसे भी हम हटा देंगे, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा शरीर को हार्म पहुँचाता है, तो इसको हम हटा देते हैं और अच्छी तरह से मैश कर देते हैं। कटहल की जो बीज होती है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो ये हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है अमचूर पाउडर, कुटा हुआ लाल मिर्च, हल्दी लिया है मैंने, थोड़ा सा पिसा धनिया लिया है और गरम मसाला, और थोड़ा सा हरी धनिया हम काट करके डाल देंगे। यहाँ पे बेसन लिया है मैंने, कटहल के हिसाब से ही आपको बेसन लेना है, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना है, और पानी का यूज़ इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। हाथ की मदद से आप अच्छी तरह से इसको मैश कर दीजिए। अभी इसमें नमक नहीं डालना है, पहले इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। तो पहले इसको मैश कर देते हैं, और कहीं अगर थोड़ा बहुत बीज इसकी रह गई हो जो खड़ी खड़ी, उसे भी हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे, ताकि वो खाने में, मतलब खाने में अच्छा लगे, दांत वांत में लगे ना, इस वजह से उसको अच्छी तरह से हम मैश कर देंगे। तो ये हमने अच्छी तरह से मैश कर दिया है, मसाले हमारे जो है और बेसन दोनों कटहल में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी नमक डालेंगे, तो हमने बस स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक कम ही रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मैश कर देते हैं। मैश करने के बाद आप देखिएगा इसमें जो फ्लेवर होता है, इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि नमक कम तो नहीं है। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है,
अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं, बहुत बड़े बॉल्स नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। तो दोनों हाथों की मदद से आप बॉल्स बना लीजिए, एक हाथ से नहीं हो पाता है क्योंकि हमने ऑयल का इस्तेमाल इसमें किया नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमें इसे फ्राई करना है, तो बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते हैं। और बहुत आसानी से दोनों हाथ से बन जा रहा है, तो पहले पूरे जितना भी मिक्सर है उसका हम अच्छी तरह से बॉल बना लेते हैं छोटी छोटी, फिर हम इसे सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप जो भी तेल यूज़ करते हैं खाने के लिए आप उसमें फ्राई कर सकते हैं, हमारे यहाँ सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो मैं थोड़ा सा सरसों का तेल ले रही हूँ। आपको कितना फ्राई करना है उस हिसाब से आप सरसों का तेल लीजिएगा। तो अब सरसों का तेल जो हमारा गर्म हो जाएगा तब हम बॉल्स को, यानी कि कटहल का जो कोफ्ता हमने बना के रखा है उसे हम फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है और मीडियम आँच में हम रखेंगे। अब बॉल्स को इसी में डाल देते हैं तेल में, और जो गरम गरम तेल है इसको ऊपर से डालते जाएंगे। इससे क्या होता है ना कि आपके कलछी में बेसन नहीं लगता है और आप जो है चारों तरफ से आपका कोफ्ता अच्छी तरह से पक जाता है। तो ये देखिए कोफ्ता हमारा अच्छी तरह से चारों तरफ से हो रहा है और मीडियम आँच में ही इसको हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हम गर्म नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आँच में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये ऊपर का छिलका जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो हमें कच्चा नहीं रखना है, हमें अच्छी तरह से इसको पकाना है। आपको ये सोच के पकाना है कि आप ऐसे ही फ्राई करके इसको खा भी सकते हो, तो अच्छी तरह से इसको पका लेना है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया था तब हमने बॉल्स को डाला हुआ था, और हमने मतलब मीडियम आँच में रखा है, इस तरह जो बॉल होती है ना वो अंदर अच्छी तरह से पक जाती है, यानी कि कोफ्ता जो होता है वो अंदर अच्छी तरह से पक जाता है। तो एक बार हमने निकाल लिया है, अब जो बचा हुआ है उसे हम दोबारा डाल देंगे और इसी तरह गरम तेल इसमें डालते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। गरम तेल डालने से चारों तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाता है। और आँच को हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। बहुत स्लो करने से भी ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और तेज करने से अंदर कच्चा रह जाएगा। तो कोफ्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसी तेल में हमें जो है मसाला छौंकना है। तो थोड़ा सा तेल मैंने दो कलछी निकाल लिया है, फिर इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा दालचीनी, तेज़पत्ता, जीरा और मेथी। इसको चटकने देंगे थोड़ी देर तक। फिर बारीक मैंने एक प्याज काट रखी है, अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो आप मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने मिर्च पीस भी रखी है और मिर्च मैंने कोफ्ते में डाला भी है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें जो मसाले हमने पीस के रखे हुए थे प्याज वगैरह उसे हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, तो मैंने गरम मसाला, सब्जी मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी मसाला और थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ एक एक चम्मच मैंने लिया है, एक एक टेबल स्पून लिया है मैंने। आप चाहें तो आप ज़्यादा मसाला खाते हो तो ज़्यादा ले लीजिए, वैसे बहुत ज़्यादा मसाला खाने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही मसाले में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आपका कोफ्ता बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम दो पके हुए टमाटर ले रहे हैं, उनको हम काट लेंगे, काटने के बाद पीस करके हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हम इसमें पानी यूज़ करेंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। इधर हम मसाला देख रहे हैं, मसाला हमारा एकदम तैयार हो गया है, थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस को मैंने एकदम स्लो ही रखा है, बहुत मतलब बहुत मीडियम से भी स्लो कर दिया है ताकि मसाला जले ना कढ़ाई में। मसाला हो गया है, अब इसमें हम जो टमाटर पीस के रखे थे, आप चाहे तो और टमाटर यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ क्योंकि टमाटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए चाहिए। अब अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे, थोड़ा सा ढक देते हैं। मसाला हो गया है हमारा, फाइनल स्टेज देते हैं, तो अच्छी तरह से इसको हम भून लेते हैं। मसाले को अच्छी तरह से चारों तरफ से भून लेना चाहिए, इससे उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और ये चिपकता नहीं है,
तो लगातार जब भी आप मसाला भून रहे हो तो लगातार आप मसाला जो है बीच बीच में उसको देखते रहिए। तो मसाला एकदम हमारा तैयार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी मैंने उसी जार में लिया है जिसमें मैंने टमाटर पीसा हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत पतली ना हो, क्योंकि इसे हमें बहुत देर तक पकाना नहीं है। जब ये खोलने लगेगी तभी हमको इसमें कोफ्ता डाल देना है, और कोफ्ता 2 बार खोलेगा तब इसे बंद कर देना है। तो इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक आप ऐड कर दीजिए स्वाद के अनुसार, और अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसको आप ढक करके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और तुरंत ही ये बस लगभग 3 मिनट के बाद ही ये पानी खोलने लगा था। अब हम इसमें कोफ्ता डाल देंगे। कोफ्ता डालने के बाद अच्छी तरह से चला देना है, बस 2 बार खोलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग वही 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से खोला लेना है। बस कोफ्ता हमारा एकदम रेडी हो गया है सर्व करने के लिए, एकदम तैयार। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई धनिया, अगर आपके पास सॉरी हरी धनिया हम डालेंगे। अगर आपके पास हरी धनिया ना हो तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो हमारा कोफ्ता तैयार है, खाने में बहुत ही लाजवाब होता है कोफ्ता। अगर आप चाहें तो इसे घर पे बना कर एक बार मेरी तरह ज़रूर ट्राई करिएगा। कम मसाले में स्वादिष्ट कोफ्ता बन करके तैयार है। तो आप इसे चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे आप पराठा के साथ खाइए, आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।